एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 125 रेज टू द पावर 1/3। आप क्या करोगे, 125 के प्राइम फैक्टर करोगे जितने भी पॉसिबल हैं आपके लिए। 125 के प्राइम फैक्टर करो, 5 पे 5, 25 पे गया, कितना आया स्टूडेंट्स, फिर से 5 पे 5, ओके, और फिर से 5 पे, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो आप लोग 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 125 जो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया x इंटू x इंटू x, x क्यूब होता है, इसी तरह 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यूब हो जाएगा। तो आप 125 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 5 की पावर 3। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आया 125 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। देखो सिर्फ 125 को चेंज कर रहा हूं मैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाई, एक्स की पावर ए की पावर बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आया 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 5 आया। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, गुड। सेकंड क्वेश्चन, इसके पहला और दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करना, सेम रहेगा। हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं। इसने जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें जैसे हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स कि 9 की पावर 3/2 हमें गिवन है, तो 9 के हम लोग प्राइम फैक्टर बनाते हैं। किस पे गया, 3 पे, 3 3 1, इसका मतलब हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वेयर। तो 9 को हम लोग किस से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 के स्क्वेयर से, 3 स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2, 3 स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। तो वही बात आ गई, पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27। 3 की पावर 3 कितना हो गया हमारे पास, 27। इसका एक पार्ट और देखते हैं हम लोग, 125 रेज टू द पावर -1/3। तो 125 के फैक्टर हमें पता है क्या बनेंगे, अभी ऊपर भी करके देखे थे हम लोगों ने, 5 रेज टू द पावर 3। तो हम लोग 125 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर -1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाई, तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू में -1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर कितनी होगी हमारे पास, -1। तो हम लोगों ने एक ये भी देखा था कि पावर को हम लोग ऊपर या नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो सिमिलरली हम लोग 5 की पावर -1 को नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, +1, और एक्सपोनेंट में कभी हम 1 दिखाते नहीं, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/5। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास है 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। स्टूडेंट सबसे पहला रूल लग रहा है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 +1/5, 2 की पावर 2/3 +1/5। तो 2/3 + 1/5 को आप कैसे ऐड करोगे, आपको पता ही है, एलसीएम लेके, पावर में ही एलसीएम चलेगा, एलसीएम आ गया आपके पास 15, तो 3 5 जा 5 पे गया, और 5 2 जा 10 +5 3 जा, तो आपके पास 2 की पावर कितने आई स्टूडेंट्स, 13/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका सेकंड जो है, उसमें
आप खुद ट्राई कीजिएगा कि 1 बाय 3 रेस टू द पावर 3, 1 बाय 3 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 7 है तो 1 की पावर भी 7 डालोगे। ओके देखो अगर पावर ऐसे हो तो अलग अलग आ जाएगी, इसके ऊपर अलग से, और ये गलत था स्टूडेंट्स हमारा, x की पावर भी a रहेगी, y की पावर भी a रहेगी। ओके तो 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर, यहां 3 क्या है, 3 की पावर 3 की पावर 7। ओके तो 1 की पावर 7 1 ही होता है, और 3 की पावर 7 3 जा 21। ओके स्टूडेंट्स तो ये सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट थर्ड करते हैं। ओके पार्ट थर्ड में हमें दे रखा है 11 रेस टू द पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 11 रेस टू द पावर 1 बाय 4। तो x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, अगर ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज, 11 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। ओके स्टूडेंट्स बेस सेम है तो ये ऊपर गया तो साइन चेंज हो गया। तो 11 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, एलसीएम लेते हैं 4 एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 की पावर 2 में से 1 गया 1 बाय 4, ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।